सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके स्थान पर अब बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। शिवपाल ने रविवार को बिसौली विधानसभा क्षेत्र के अहमदगंज की चुनावी सभा में यह घोषणा की। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर आदित्य यादव का नाम लिए बगैर ही उन्होंने बोला, चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब तो बन गए हैं। उन्होंने लोगों से जब पूछा, आपको पता है, लोगों की ओर से जवाब में आदित्य यादव का नाम आया, साथ ही आदित्य यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे। फिर शिवपाल सिंह यादव ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, खास तौर से युवाओं की मांग पर अब आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए हैं, बहुत ही जल्दी नवरात्र में उनका नामांकन हो जाएगा। नवरात्र में शुभ और अच्छा मुहूर्त होता है। वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम, तो देखिए मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी,